तो अब मोबाइल फोन्स में बैक में हमें तीन तीन कैमरे मिलने लगे हैं। पहले हमको दो कैमरे मिलते थे, अब हमको तीन तीन कैमरे मिलने लगे और आगे आपको चार कैमरे और पांच कैमरे भी मिलने लगेंगे बैक कैमरे में। तो अब ट्रिपल कैमरा और डुअल कैमरे का तो जमाना अब चला गया, अब आ चुका है ट्रिपल कैमरे का और इसके बाद आने वाला है क्वाड कैमरे का और फिर आएगा आपको पेंटा कैमरे का। मतलब आपको बैक में अभी तीन मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर बाद में इसका फ्यूचर जो होगा वो चार कैमरे का होगा और कुछ कुछ फोन में आपको पांच कैमरे भी बैक में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है और हमको इतने कैमरे क्यों मिलने लगे और कैसे एक काम करता है, आखिरकार हमें क्यों जरूरत पड़ी ट्रिपल कैमरे की और आगे आपको चार कैमरे और पांच कैमरे की। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रिपल कैमरा कैसा काम करता है और ये डुअल कैमरा कैसा काम करता है, हमें इनकी क्यों जरूरत पड़ने लगी। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपको बता दूं मेरा नाम कुलभूषण है और आप देख रहे हैं केके वर्ड। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे इसी तरह की वीडियोस मिल पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप फिलहाल डुअल कैमरा यूज़ कर रहे होंगे या फिर डुअल कैमरे वाला स्मार्टफोन कभी ना कभी आपने यूज़ करा होगा या फिर देखा होगा। तो भाई अब डुअल कैमरे का तो ज़माना चला गया, अब आ चुका है ट्रिपल कैमरे का। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल कैमरा कैसे वर्क करता है और ये जो मैं बात बताने वाला हूं ये आपके चार कैमरे वाला और पांच कैमरे पे भी लागू होगी। मतलब जो चार कैमरे वाला फ़ोन होगा वो कैसा काम करेगा और पांच कैमरे वाला वो कैसा काम करेगा और डुअल कैमरा कैसा काम करता है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ हमें जो लेंसेज मिलते हैं कैमरे वो कितने तरह के होते हैं। तो फिलहाल जो है वो छह तरह के लेंसेज यूज होते हैं, इसके बाद में और लेंसेज आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले लेंस की बात करूँ तो वो होता है मेन हमारा जो प्राइमरी सेंसर होता है, जो मेन कैमरा होता है, जो आपका ज़्यादा मेगापिक्सल वाला होता है, मतलब जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है। जैसा आपको बैक में 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का होता है तो 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे की बात करूँ जो आपका मेन सेंसर होता है। तो वो जो होता है वो हमारा RGB सेंसर होता है, वो मतलब वो कलरफुल फोटो कैप्चर कर लेता है और उसमें आपको कलर फोटोज़ मिल जाते हैं। तो वो हमारा मेन सेंसर होता है जो हमारा मेनली नॉर्मल फोटोज़ कैप्चर करने में यूज़ करा जाता है। और जो दूसरा टाइप का सेंसर होता है वो होता है हमारा डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारी दोनों आंखें काम करती है, तो इसलिए अगर हम कैमरे में अगर दो कैमरा यूज़ करें फ़ोन में तो उसके पास भी दो आँख हो जाएगी और वो आसानी से डेप्थ सेंस कर पाएगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट की दूरी तय कर पाएगा कि बैकग्राउंड से कितनी दूर है और कितने दूर का फासला है। जैसा आप अगर अपनी एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपको जो बैकग्राउंड है वो आपको प्लेन सा दिखेगा, अगर आप एक आंख बंद करके अपने हाथ को देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन लगेगा, आप दूरी नहीं देख पाएंगे भाई पीछे जो सामान रखा है वो कितनी दूर है मेरे हाथ से, इस तरह से आपको सही से नहीं पता लग पाता है। अगर आप दोनों आँख से देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा हाथ कितनी दूर है और कितना लगभग डिस्टेंस हो सकता है। तो इसलिए डेप्थ सेंसर यूज़ करा जाता है जो कि कम मेगापिक्सल का होता है, कोई कोई ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। तो कम मेगापिक्सल का सेंसर को यूज़ करके दोनों कैमरे एक साथ वो डेप्थ सेंस कर पाते हैं और उसे पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट अपने बैकग्राउंड से कितनी दूर है और कितना हमें ब्लर करना है और कैसे कैसे उसको बैकग्राउंड को एडजस्ट करके वो इजिली पोर्ट्रेट शॉट ले पाता है और पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर लेता है बैकग्राउंड को ब्लर करके। और जो तीसरा टाइप का लेंस होता है वो हमारा होता है टेलीफोटो लेंस, या फिर आप उसको ऑप्टिकल जूम वाला लेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो लेंस होता है वो ऑप्टिकली जूम करने के लिए काम आता है। मतलब अगर आपका जो नॉर्मल फ़ोन होता है जिसमें सिंगल कैमरा होता है तो उसमें आप इजीली जूम कर पाते हैं, लेकिन उसके जो पिक्सल होते हैं वो आपके फट जाते हैं। मतलब वो जो होता है वो फोटो को ही क्रॉप कर देता है और उसका रिजोल्यूशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पिक्सल्स के साइज़ बढ़ जाते हैं और वो आपका फटी पिक्चर लगती है, फटी हुई सी पिक्चर। लेकिन जो ये ऑप्टिकल जूम वाला आपका लेंस होगा ये आपका उसी रिजोल्यूशन में आपका जूम करके देगा। जैसे कि आपको DSLR के बारे में पता होगा, DSLR में जो लेंस होता है तो वो जो लेंस होता है अगर आप उसको जूम करते हैं तो वो आपके बिना पिक्चर की क्वालिटी लॉस करे हुए आपका फोटो को जूम कर देता है, लेकिन आप अपने नॉर्मल फ़ोन वाले कैमरे से जूम करेंगे तो उसके पिक्चर जो है वो फट जाती है। तो ऑप्टिकल जूम वाले जो होते हैं उसमें आपकी क्वालिटी लॉस नहीं होती है जूम करने पर, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है, मतलब 2x जूम कर सकते हैं, मतलब 2 टाइम जूम कर सकते हैं या फिर 3 टाइम जूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लेंसेज आता है कि कितना हिसाब से आपको ऑप्टिकल जूम करना है और ऑप्टिकल जूम के बाद आप उसको मैनुअली अपना नॉर्मल जूम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप का लेंस था। अब चौथे टाइप के लेंस की बात करूं तो वो होता है हमारा मोनोक्रोम लेंस। तो मोनोक्रोम लेंस जो होता है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कैप्चर करने में काम आता है। तो अगर इस लेंस का यूज़ करेंगे तो जो फोटो खींचेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट खींच पाएगा और उसमें ये खास बात होती है कि वो लाइट को ज़्यादा गैदर कर पाता है, मतलब लो लाइट में आपके फोटो में डिटेलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी कैप्चर कर पाएगा मोनोक्रोम लेंस। और इसी वजह से इसमें आपको ग्रेन्स जो है वो कम दिखेगी, नॉइज़ जो है वो कम दिखेगी, मतलब आपको जो मच्छर से दिखता है ना फोटो में वो कम दिखेगी और फिर वो नॉर्मल
लेंस के साथ जो फोटो लिया गया कलरफुल वाला, उसको कंबाइन करके वो आपको एक अच्छी क्वालिटी की फोटो दे देगा जो कि आपके नाइट में खिंची हुई होगी। तो नाइट में आपका प्राइमरी सेंसर के साथ मिलके एक अच्छा फोटो आपको खींचकर दे पाता है। और जो हमारा पांचवा तरह का लेंस होता है वो होता है हमारा वाइड एंगल लेंस। तो वाइड एंगल लेंस आपको पता ही होगा, वो आपका जो नॉर्मल फोटो है उसे और ज्यादा वाइड करके खींच लेता है, जैसे कि 120 डिग्री तक 180 डिग्री तक खींच पाता है। मतलब अगर मैंने यहाँ से फोटो खींचा है तो वो इतना एरिया कवर कर पा रहा है जितना मेरी आपको वीडियो में दिख रहा है, और वो अगर उसको हम वाइड एंगल से खींचेंगे तो ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा। तो आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये सैंपल है, तो ये नॉर्मल फोटो से लिया गया है, मतलब नॉर्मल कैमरे से फोटो लिया गया है और ये वाइड एंगल के साथ लिया गया है। और जो सिक्स टाइप का लेंस होता है वो होता है 3D लेंस। तो वो नॉर्मली जो आपके फ़ोन में होता है एक लेंस ऐसा लगा रहेगा और एक लेंस जो है वो कुछ एंगल पर लगाया जाता है ताकि वो 3D फोटो कैप्चर कर पाए, 3D वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। तो 3D का यार अब वो ज़माना नहीं रहा। पहले कुछ कैमरे, कुछ ऐसे फ़ोन आए थे जिसमें आपको 3D लेंस दिखता था, वो 3D फोटो कैप्चर करने के काम आता था, लेकिन अब उसका काम नहीं रहा। और ये आजकल इस आपको कोई भी फ़ोन नहीं मिलेगा जिसमें 3D लेंस है। तो ये 6 तरह के लेंस यूज़ करे जाते हैं एक मोबाइल फ़ोन में। अब इन्हीं 6 लेंस का कॉम्बिनेशन बनाकर अपने पर्पज़ के हिसाब से कि कितने आपको कैमरे देना है, अगर उसको डुअल कैमरा देना है अपना नॉर्मल बजट फ़ोन में ताकि वो पोर्ट्रेट शॉट ले पाए, तो उसमें आपको एक प्राइमरी सेंसर दे देगी जो RGB वाला होता है कलरफुल वाला, और एक आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए दे देती है जो कि सस्ता होता है और आसानी से आप उसमें पोर्ट्रेट शॉट ले पाते हैं। और कंपनी अगर डुअल कैमरा में देना चाहे तो वो एक आपको मोनोक्रोम लेंस दे सकती है ताकि वो लो लाइट में अच्छा फोटो कैप्चर कर पाए, एक आपको प्राइमरी सेंसर के साथ आपको टेलीफोटो जूम वाला लेंस दे दे ताकि वो ज़्यादा जूम कर पाए और पोर्ट्रेट मोड भी ले पाए। तो इस तरह से वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से कितने ही कैमरे वाला स्मार्टफोन बना सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट ट्रिपल कैमरे में यूज़ करा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, आपको सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 एडिशन का जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो उसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा मिलेगा, मतलब बैक में आपको 3 कैमरा मिलेंगे। एक जो है वो तो प्राइमरी है जो कि RGB वाला होता है कलरफुल वाला, कलर फोटो कैप्चर करने वाला। दूसरा जो है वो होता है आपका डेप्थ सेंसिंग के लिए, और जो उसमें तीसरा लेंस दिया गया वो है आपका वाइड एंगल का। तो इन तीनों कैमरे के कॉम्बिनेशन को यूज़ करा गया है सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 में ताकि वो पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींच पाए और वाइड एंगल फोटो खींच पाए। आप नॉर्मल फोटो खींच सकते हैं अपने प्राइमरी सेंसर से, एक पोर्ट्रेट मोड और एक उसने वाइड एंगल से खींच सकते हैं। तो ये तीनों कैमरे इस 3 काम के लिए काम आते हैं। और अब जो मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ वो आपको बताता हूँ Huawei P20 Pro के बारे में, जो आपको पहले में आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिला था। तो इसमें आपको जो 3 कैमरे मिलते हैं, एक तो है RGB वाला मेन जो आपका प्राइमरी सेंसर होता है, जो दूसरा होता है वो होता है आपका मोनोक्रोम लेंस। तो ये आपको जो है लो लाइट में फोटो कैप्चर करने में काम आएगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींच पाएगा जिसमें आपको ग्रेन्स कम दिखेंगे, लाइट ज़्यादा गैदर कर पाएगा, और फिर वो प्राइमरी कैमरे के साथ जो फोटो खींचा गया उसके साथ कंबाइन करके आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छी डिटेल्ड फोटो कैप्चर करके दे पाता है लो लाइट में। और जो इसमें तीसरा जो लेंस यूज़ करा गया है वो है, तो इसमें आपको टेलीफोटो लेंस यूज़ करा गया है जो 3 तक आपका ऑप्टिकल जूम कर पाएगा, 3 गुना आपका फोटो जूम कर पाएगा ऑप्टिकली, उसमें आपकी क्वालिटी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो 5 तक भी जूम कर सकता है, लेकिन वो हाइब्रिड होता है, वो आपका प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके जो आपको समझ रहे हो ना वो वैसे है, उसे और चौड़ा करके उसके रिजोल्यूशन को कम करके जूम कर देता है। तो 3 तक ये इजीली जूम कर पाते हैं बिना क्वालिटी को लॉस करे हुए। तो इसी तरह कंपनी पर डिपेंड करता है वो अपने फ़ोन में किस तरह का कैमरा देना चाहती है। तो अगर उसको वाइड एंगल वाला देना है पोर्ट्रेट शॉट के साथ, वो 3 कैमरे यूज़ कर सकते हैं, और उसे वाइड एंगल भी देना है और उसको टेलीफोटो जूम भी देना है, मतलब ऑप्टिकल जूम भी करना है, और मोनोक्रोम लेंस भी देना है और प्राइमरी भी देना है, और इस तरह से वो 4 कैमरे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से उसकी और नीड बढ़ गई, उसे और ज़्यादा फीचर्स देना है अपने कस्टमर्स को, अपने यूज़र्स को, तो 5 कैमरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंडा है भाई डुअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा और क्वाड कैमरा और पेंटा कैमरे का। तो अभी नोकिया के भी कुछ लीक्स आ रहे हैं पेंटा कैमरे वाले के लिए, तो उसमें पेंटा कैमरा आपको मिलने वाला है जिसमें आपको इनमें से ही कोई 5 लेंस यूज़ करे जाएंगे ताकि आपको बेटर फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस हो पाए। तो आई होप आपको मैंने इजी लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक करके इजी टाइप में आपको समझा दिया होगा कि भाई डुअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा, पेंटा कैमरा कैसे काम करता है। तो इससे इजी भाई और कोई नहीं समझा सकता। और मैंने अभी यूट्यूब पे चेक करा, किसी ने ट्रिपल कैमरे के बारे में, क्वाड कैमरे के बारे में, पेंटा कैमरे के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं डाली। और तो ये मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें आपको इतनी डिटेल्ड में आपको वीडियो मिल रही है, तो यार इस बात पर लाइक करना तो बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कैमरे काम करते हैं, और आपको ये वीडियो भी पसंद
पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।